हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीवाणी। माय किचन वंडर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोंकण स्पेशल, मैंगलोर स्पेशल नीर डोसा की रेसिपी देख रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे स्वीट कोकोनट चटनी और स्पाइसी कोकोनट चटनी। ये बनाना आसान है, बहुत टेस्टी है, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट या डिनर हो जाता है। चलिए देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको 2 कप चावल भिगो के रखा है, 5-6 घंटा अच्छे से धो के रखा है। अभी 1 कप नारियल लिया है, 1 कप पानी लिया है और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक लिया है। अभी हम लोग ये चावल, भिगा हुआ चावल को मिक्सी में पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ये जो भिगोया हुआ पानी हमको नहीं लेना है, फ्रेश पानी डालेंगे इस पे। ये चावल पूरा ले लेते हैं। अभी इसमें हम लोग नारियल 1 कटोरी डालेंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले अच्छे से पीसेंगे। पानी एकदम ज़्यादा डालेंगे तो अच्छे से नहीं पीसता है। देखिए, एकदम थिक बैटर, एकदम फाइन बैटर बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि एकदम, देखिए, कंसिस्टेंसी, इतना पतला कंसिस्टेंसी होने तक पानी डालते रहने का है आपको। अभी एक तवा गरम कर लिया हमने। हम लोग इसमें डोसा डालेंगे। डोसा नॉर्मल डोसा की तरह सेंटर में डाल के स्प्रेड नहीं करना है, हमको किनारों से डालते आने का है, इसको स्प्रेड नहीं करना है स्पैचुला से। और एक और बात ध्यान रखने का है, इसको सेकंड साइड हम लोग पकाएंगे नहीं, एक ही साइड इसमें पकाना है और जल्दी पक जाता है। ठीक है, इसके चाहे तो आप लोग ढक्कन लगा के भी पका सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है। झटफट बन गया हमारा एक नीरू डोसा। ऐसे ही सारे डोसे बना के तैयार रख लेते हैं हम लोग, जल्दी पक जाता है, 1-2 मिनट ही लगता है। देखिए कितना नरम मुलायम डोसा बनके तैयार हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अभी इसके लिए हम लोग स्पाइसी कोकोनट चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमको चाहिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगता है और इजी भी बन जाता है। 1 कटोरी नारियल लिया है, 2 मिर्ची लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच जितना चटनी का दाल लिया है। अभी ये सब हम लोग ब्लेंडर में डालेंगे। ये चटनी का दाल आसानी से कोई भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाता है। अदरक भी छोटा टुकड़ा करके डाला है और मिर्च लिया है और नारियल लेंगे। ये सारे क्वांटिटीज़ कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें पानी बहुत कम, 1 या 2 टेबलस्पून पानी जितना डालेंगे हम लोग और इसको अच्छे से पीस के तैयार करके रख देंगे, जल्दी ब्लेंड हो जाता है। देखिए तैयार हो गया। अभी इसके ऊपर हम लोग राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया। बिना तड़के का भी अच्छा लगता है, पर तड़का बहुत ही टेस्ट फ्लेवर आता है इसमें। देखिए झटपट बन गया ये स्पाइसी कोकोनट चटनी। ये इडली डोसा के साथ भी बहुत अच्छा रहता है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा इस बार। अभी नेक्स्ट है हमारा स्वीट कोकोनट चटनी। ये तो बस 3 इन्ग्रीडियंट से बन जाता है और बहुत टेस्टी रहता है। इसके लिए हम लोग लेंगे 1 कटोरी नारियल, उससे आधा गुड़, 2 इलायची। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग ब्लेंडर में ले लेंगे। आप गुड़ की जगह पे शुगर भी डाल सकते हैं, बट गुड़ बहुत स्वादिष्ट रहता है, कोकोनट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी ब्लेंड कर देंगे हम लोग। देखिए बन गया झटफट हमारा स्वीट कोकोनट चटनी। ये चटनी भी ना, जो हम लोग दाल डोसा बनाए हैं उसके साथ भी बहुत टेस्टी रहता है और नॉर्मल डोसा के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। अभी देखिए कितना फटाफट हमारा नीर डोसा और स्वीट चटनी और स्पाइसी चटनी सब बन के तैयार हो गया ना। ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए परफेक्ट है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा और एंजॉय कीजिए ये रेसिपी को। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।